नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का, आप सभी शुभचिंतकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। तो इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस YouTube और Facebook पर, और तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाएं। तो चलिए बात करते हैं आज के खास विषय की। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों की नजर उतारने का महा उपाय। बच्चे हमारी जान होते हैं, हमारा जीवन ही बच्चों पर टिका है। हम कमाते किस लिए? बच्चों के कारण। और बच्चे ही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। यही बच्चे अगर बीमार पड़ जाएं, पढ़ाई में डल हो जाएं, उसके पीछे कारण होता है बच्चों को नजर लग जाना। नजर मतलब कुदृष्टि। एनर्जी अच्छी भी है, एनर्जी बुरी भी है। जो बुरी एनर्जी है उसे कहते हैं कुदृष्टि। वो लग जाती है तो बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं, डल हो जाते हैं, टिमिड हो जाते हैं। और ऐसे में हर माँ बाप की ये चिंता रहती है कि बच्चों की नजर कैसे उतारी जाए। जी हाँ, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों की नजर ऐसे उतारी जाए। ये है कमल नंदलाल का महा उपाय आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि छोटे बच्चों को नजर ना लगे, तो विशेष रूप से काम कीजिए। इसके लिए हाथ में चुटकी भर रक्षा ले लीजिए। रक्षा मतलब पीली सरसों। और थर्सडे के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन ओम चैतन्य मंत्र नोट कर लीजिए। ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः। ओम चैतन्य गोरखनाथ नमः। गोरखनाथ जी का ये विशेष मंत्र है। ये मंत्र को 108 बार जप करने के बाद में फिर इसे छोटी सी पुड़िया में बांध लें। इसको रक्षा को, रक्षा यानी पीली सरसों, और इसे किसी रेशमी धागे में बांधकर, पीले कपड़े में इसे डालकर, किसी भी रेशमी धागे में से बांधकर बच्चे के गले में बांध दीजिए। इससे बुरी नजर से बचाव हो जाएगा। और एक साल बाद इस रक्षा सूत्र को आप जल प्रवाह कर दीजिए, नया रक्षा सूत्र बांध लीजिए, बच्चों को नजर नहीं लगेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में एक नए विषय के साथ। क्योंकि हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपके जीवन को कुछ छोटे छोटे सरल उपायों के साथ में सक्सेसफुल बनाया जाए। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना लीजिए। और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय।